गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो हमारे पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म, अन्य प्रकार की जो हमारे पास इक्वेशन है वो किस टाइप की है, तो यहां पे लिख रहा हूं मेरे पास इस टाइप की इक्वेशन है कि p1 dy प्लस पी क्यू आर डी जेड इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन ये हो गई, पी टू डी एक्स प्लस साइमल्टेनियस है तो दो इक्वेशन मुझे लिखनी है, आर टू डी जेड इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास दो इक्वेशन है जहां पर पी वन पी टू, वेयर पी वन पी टू क्यू वन Q2 R1 and R2 are functions of X, Y and Z, of X, Y and Z, ठीक है। तो जो अब मेरी ऊपर इक्वेशन जो लिखी हुई थी उस इक्वेशन को मैं इस रूप में लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर वन और टू को मैं रीराइट कर रहा हूं, तो यहां से मैं पी वन, यहाँ क्या था, dx था ना, dx बाई डी जेड प्लस क्यू वन डी वाई बाई डी जेड इक्वल टू आर वन, सॉरी प्लस आर वन इक्वल टू जीरो। पहली इक्वेशन ही हो गई, सिमिलरली दूसरी को भी मैं यही लिख रहा हूं, इक्वल टू नहीं है प्लस है। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं, मतलब मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डी एक्स बाई डी जेड अपॉन क्या आएगा, इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड अपॉन और ये वन अपॉन क्या आएगा। जब मैं इसका फर्स्ट वाला कॉलम छुपाता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई में करता हूं, यानी मैं इस वाले पार्ट को तो मैं छुपा रहा हूं, इस वाले पार्ट को छुपा रहा हूं सॉरी ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हुआ और ये माइनस के साथ इधर हुआ, तो ये पहला वाला डी एक्स बाई डी जेड तो आ गया, वो मेरे पास क्या आया, पी वन सॉरी क्यू वन आर टू माइनस क्यू वन आर टू माइनस क्यू वन आर टू माइनस क्यू टू आर वन, एंड सिमिलरली विथ माइनस साइन आएगा तो मैं इसको पहले ही साइन बदल के लिख रहा हूं, आर वन पी टू माइनस आर टू पी वन, और ये जो होगा वो हो जाएगा पी वन क्यू टू माइनस पी टू क्यू वन। ये मेरे पास इक्वेशन यहां से आएगी और इसको मैं फिर से इस रूप में लिख सकता हूं, डी एक्स अपॉन क्यू वन आर टू माइनस क्यू टू आर वन इक्वल टू डी वाई आर वन पी टू माइनस आर टू पी वन इक्वल टू डी जेड, अपनी जगह ले आया हुआ पी वन क्यू टू, किस लिए लाया हूं कि मेरी ओरिजिनल इक्वेशन से इसको मैच कर सकूं। अब ये इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म की हो गई, ये इक्वेशन मेरे पास हो गई डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू एंड दिस इज डी जेड अपॉन आर। ये जो पी क्यू आर है दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पर क्यू वन आर वन और पी वन आर टू ये सारे सारे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड थे,
तो ये भी आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होंगे। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, ये जो इस टाइप की जो इक्वेशन आई है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक एक मेथड के बाद एक एक एग्जाम्पल्स मैं उसके ऊपर आपको बताता चला जाऊंगा। तो पहला जो मेथड है उसको हम बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मेथड है कि जैसे कोई भी आपको इक्वेशन दी भी है, तो मैं यहाँ पर पहले आपको इक्वेशन देता हूँ और उसके बाद ही उस आर्टिकल को समझाता चला जाता हूँ। ये आपको दिया हुआ एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू डी वाई एक्स जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको दी भी है। तो हमारे पास पहला मेथड तो ये कहता है कि अगर इस टाइप की इक्वेशन हो तो हम क्या करते हैं कि इसमें कोई भी दो को लेके हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टू को अगर लेता हूँ, फर्स्ट टू अगर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई एक्स जेड और वाई स्क्वायर जेड। तो यहाँ से जेड और जेड को मैं हटा दूँ तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई, अलग अलग सेपरेट हो गए। इसे इंटीग्रल कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन थ्री प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन लिख दूं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू थ्री ऑफ सी वन। और इस थ्री ऑफ सी वन को मैं फिर से कह सकता हूँ कि एक तो मेरा सॉल्यूशन हो गया जो कि मेरे पास ये आया है। अब दूसरा सॉल्यूशन के लिए हम कर सकते हैं कि इसी को ही मैं यहाँ से वापस से फर्स्ट और थर्ड को यूज कर लूँ। फर्स्ट और थर्ड मेरा क्या है, फर्स्ट है मेरे पास एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू, थर्ड पार्ट क्या था इसका, थर्ड पार्ट है डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर, डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को काट दो। ये कितना हो गया एक्स डी एक्स। ये तो आपको बड़ा आसान मिल गया था कि आपने इसको सेपरेट कर लिया और हो गया। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सीधा ही लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू के टू लिख देता हूँ दूसरा में, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो गया, सी वन और सी टू की जो वैल्यू, के वन और के टू की वैल्यू आई है, तो ऊपर तो आया था मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक सॉल्यूशन ये हो गया, तथा दूसरा कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड है जैसे हम अगर जैसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया था, इसी में समझा देता हूँ मैं। जैसे मैंने फर्स्ट टू को सॉल्व किया था, यहाँ पर ये फर्स्ट टू को सॉल्व किया था और मेरे पास ये रिजल्ट बन के आया था, है ना। अब मैं ऊपर से वापस फर्स्ट सेकेंड या फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड को सॉल्व करता हूँ और उससे मेरा इंटीग्रल सॉल्व नहीं होता है। जैसे इंटीग्रल हो गया ना, यहाँ पर सॉल्व सेपरेट करके हमने सॉल्व किया, नहीं होता है। तो हम ये जो इसका ही वैल्यू निकालिए, इसका जो हमारे पास मान आया, इसको हम उसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर अगर हमारे पास सॉल्व हो जाता है तो हम उसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट जो मैं इसमें बता रहा हूँ वो मेरे पास यही है कि इस वाले में हम यही करेंगे कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स, ये तो सिंपली सेपरेट हो रहा है, एंड दिस इज डी जेड अपॉन जेड, ये मेरे पास है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टू से तो मेरे पास आ रहा है सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन, बट अब मैं फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड से मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि
क्यों? क्योंकि फर्स्ट में मेरे पास dx अपॉन वाई है और इधर dz अपॉन जेड है, तो dx अपॉन वाई तो सॉल्व नहीं होगा, तो dz अपॉन जेड तो log z बन जाएगा इंटीग्रेट अगर करता हूँ। और सिमिलरली अगर सेकंड थर्ड को लेता हूँ तो भी मेरे पास सॉल्व नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले मैं फर्स्ट टू को इन दो को लेकर सॉल्व करता हूँ। तो इन दो को लेकर अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये बनता है, ठीक है। और अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो ये मेरे पास बन के आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन। ये मैं इक्वेशन नंबर वन इसको कह देता हूँ। अब मेरे पास जो ये आई है वैल्यू, अगर मैं इसको एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख दू, यहाँ पर ये जो एक्स आया है इसको इन टर्म्स ऑफ अगर वाई लिखता हूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी वन प्लस वाई टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी वन प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये मैं वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सेपरेट नहीं हो रहा है ऊपर, यहाँ पर ये सेपरेट नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर मैं इस एक्स की वैल्यू को, यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू को मैं इन टर्म्स ऑफ वाई अगर रखूंगा तो ये मेरे पास सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेपरेट कर देता हूँ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से मेरे पास क्या होगा, डी वाई अपॉन एक्स, एक्स की जगह ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ, सी वन प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, सी वन अपॉन ये इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये तो हो जाएगा लॉग ऑफ, एक बार तो वाई आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा सी वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लॉग ऑफ जेड प्लस लॉग ऑफ सी टू, ठीक। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ वाई प्लस सी वन प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू सी टू जेड। तो यहां से हमारे पास सेकेंड सॉल्यूशन ये आ जाएगा सी टू, जेड को हम नीचे भाग दे देंगे तो ये दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। पहला सॉल्यूशन तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहला सॉल्यूशन। और यहाँ सी टू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस सी वन प्लस वाई टू अंडर रूट अपॉन जेड, ये मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाए। तो ये सेकंड मेथड था, जब हमारे पास एक इंटीग्रल तो सॉल्व हो रहा है लेकिन दूसरा इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमने उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड में हमारे पास क्या है कि ये एक बीजीय समानुपाती भागों से हमको इसको अलग करना पड़ेगा। यानी हमारे पास जो इक्वेशन है वो है डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू, ये तो हम वहां पहचान ही जाएंगे, डी जेड अपॉन आर, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, एल वन डी एक्स, एल वन डी एक्स प्लस एम वन डी वाई प्लस एम वन है, एम वन एन वन डी जेड अपॉन एल टू पी प्लस एम टू क्यू प्लस एन टू आर, नहीं एल वन है ना, तो ये एल वन ही आएगा, या एल वन एम वन और एन वन, इससे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन गुणांकों से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, ये जो एल वन एम वन और एन वन जो है ये मैं डी एक्स डी वाई डी जेड के गुणांकों को अगर गुणा कर रहा हूं जिससे कि मेरे पास ये नीचे जो है ये जीरो हो जाए, इस टाइप से मैं इसको चूज करूंगा तो ये मैं इसको आराम से सॉल्व कर दूंगा, इसका इंटीग्रल मेरे पास आराम से हो जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। इसका भी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज कीजिए कि एक्स ए डी एक्स अपॉन
बी माइनस सी वाई जेड इक्वल टू बी डी वाई अपॉन सी माइनस ए जेड ऑफ एक्स एंड दिस इज सी ऑफ डी जेड ए माइनस बी और एक्स वाई। ये आप देख रहे हैं अगर सिमेट्रिक से है तो आराम से हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड के गुणांक जो है उनको हम किस टाइप से ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को अगर एक्स के गुणांक एक्स और वाई और जेड के गुणांक सॉरी एक्स वाई जेड को अगर मैं इसके कोफिशियंट ले लूं, यानी पहली इक्वेशन को मैं एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। अब इसी इक्वेशन में मैं कर रहा हूँ, देखो इस इक्वेशन को लिखा है, या एक्स से मल्टीप्लाई किया या एक्स से मल्टीप्लाई किया, या वाई से किया या वाई से किया, या जेड से किया या जेड से किया। तो ऊपर वाली टर्म तो मेरे पास क्या आ गई, ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड, ठीक है। और नीचे की टर्म मेरे पास क्या आएगी, नीचे वाली टर्म जो है वो मेरे पास क्या आएगी, यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड, ये रहा एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड, तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और इन सब में से कॉमन मैंने निकाल लिया एक्स वाई जेड। जब इसको सॉल्व करूंगा तो देखो सी प्लस का माइनस का ये टर्म कट गई, ये टर्म कट गई, इसका मतलब ये क्या आ गया, ये मेरे पास सॉल्व हो क्या आ गया इस टाइप से, ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड अपॉन जीरो अपॉन जीरो। तो इसका मतलब हो गया दिस इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास अगर ये टर्म हमारे पास जीरो आ गई तो हम इसको लिख देंगे बाद में, इसको जीरो करके फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब ये एग्जैक्ट हो गई। तो ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, और अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सी वन आ जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू सी वन, ये मेरे पास पहला सॉल्यूशन आ गया। अब इसी तरीके से जब मैं दूसरा सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे को अब कोफिशिएंट क्या लेने पड़ेंगे, जैसे पहले मैंने लिए थे एक्स वाई जेड, अब मैं यहाँ कोफिशिएंट को ले लेता हूँ ए एक्स ए डी एक्स, ए एक्स बी माइनस सी वाई जेड प्लस ए एक्स लिया ना, तो यह हो जाएगा बी वाई बी डी वाई, और ये बी वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये क्या है मेरे पास सी माइनस ए एक्स जेड प्लस सी जेड, मुझे जो है इसका हर जो इसका आ रहा है उसको मुझे जीरो बना रहा है, तो या सी सी जेड और ये आप क्या हो जाएगा सी डी जेड अपॉन सी जेड, और ये हो जाएगा ए माइनस बी और एक्स वाई। अब देखिए वापस से आप एक्स वाई जेड को अपॉन वाली जो हमारे पास हर वाली जो है उसको मैं लिख देता हूँ, चलिए ऊपर वाला भी बहुत आसानी है, ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड। नीचे की टर्म जो आएगी वो क्या चीज है, एक्स वाई जेड को मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब माइनस का बी सी प्लस का बी सी माइनस का ए बी, ये फिर से जीरो हो गई, यानी कि ये मेरे पास आ गया दूसरा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई
प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड अपॉन 0। तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो ये मेरे पास दो आंसर हो गए, ये C1 और C2 जो है वो मेरे पास दो आंसर हो गए। तो इस टाइप से हम हमारी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये मैंने मेथड बताया, जब हमारे पास अगर ऐसे सॉल्व नहीं होता हम दूसरे मेथड को अप्लाई करें, और दूसरा नहीं होता हम तीसरे मेथड से इसको अप्लाई करेंगे। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।